हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम। मेरा नाम अंकित है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक बात बोली थी कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने कैरियर में यूज़ कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज़ क्या बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है, तो उसी को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार, नो डाउट कि जावा स्क्रिप्ट इज़ बींग यूज एवरीवेयर राइट नाउ। मतलब ये इतनी वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आप इससे कुछ भी बना सकते हैं आज के टाइम पे। मतलब जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप हर तरह की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो नो डाउट कि इसमें अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट अगेन द क्वेश्चन इज क्या बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग में बिगनिंग में आपको जावास्क्रिप्ट चूज करना चाहिए अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यार देखो कि अगर आप जावास्क्रिप्ट को एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, तो यार सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बिगिनर को हमेशा बहुत सारे डाउट्स होते हैं और उनको ये क्लियर नहीं होता कि आपको जाना कहाँ है, आप हैं कहाँ पे और जाना कहाँ पे। पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है यार, यूट्यूब बहुत सारा कंटेंट आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, फिर दूसरी सीखते हैं, फिर कोई और सीख रहे होते हैं, तो जगलिंग कर रहे होते हैं और एट द एंड आपके हाथ पे कुछ नहीं होता। और किसी भी टाइप की स्किल्स में, मतलब या फिर यूँ कह लूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक स्किल्सफुल पर्सन नहीं बन पाते हैं, राइट। तो यार देखो, सबसे पहले अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, बट अगेन द क्वेश्चन इज कि अगर आप जावास्क्रिप्ट को सोचते हैं, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो आता है कि जावास्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द फ्रंट एंड। यस, समवेयर ये कहना पॉसिबल है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की शुरुआती ही फ्रंट एंड के कॉन्टेंट और पर्स्पेक्टिव के थ्रू हुआ था। बट नाउडेज वी आर यूजिंग एवरीवेयर कि आप बैकएंड में भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट को शुरुआती दिनों में स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर, तो होगा क्या कि आपको जावास्क्रिप्ट सीखते वक्त आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको बैकएंड डेवलपर बनना है या फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। अगर फ्रंट एंड बनना है, तो डेफिनेटली आपका जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, इन तीन चीज़ों से पहले काम चला करता था। लेकिन आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल से आपका काम होने वाला नहीं है। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो एचटीएमएल, सीएसएस तो आनी ही आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जेक्वेरी, वैसे ही एक लाइब्रेरी है जो ऑप्शनल है इस टाइम पे, क्योंकि इस समय रिएक्ट, एंगुलर और व्यू जैसे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज में से आपको कोई एक तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। मतलब सी एस एस, एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट ये मैंडेटरी हुआ। उसके बाद आपका रिएक्ट, एंगुलर और व्यू में से कोई एक आना चाहिए। उसके बाद आपको सी एस एस से आप पूरी तरह से डिजाइनिंग में तड़का नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए आपको टेलविन या फिर बूट स्ट्रैप जैसी लाइब्रेरीज को अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से प्रेजेंटेशन लेयर को क्रिएट कर पाए। दैट इज द अनदर फैक्टर। एंड फिर थोड़ा सा जब एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं, तो आपको नेक्स्ट जेएस या फिर रेडक्स जैसी लाइब्रेरीज को भी टच करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाइल्स, मतलब बंच ऑफ चीजें आपको सीखनी पड़ रही हैं एक फ्रंट एंड डेवलपर। और एज अ बिगनर आपको जल्द से जल्द किसी कंपनी में, एज अ फ्रेशर, किसी भी तरीके से आपको जॉब चाहिए। तो जावा स्क्रिप्ट के बदौलत आपको इजिली जॉब नहीं मिल पाएगी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मिलेगी नहीं, मिलेगी, बट उसमें कितने आप स्किल्सफुल पर्सन हैं वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट को लेकर के थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए सर्वाइव करना, और एज अ फ्रेशर बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कोई कंपनी आपको अप्रोच करे। और अगर बैकएंड टू पर्सपेक्टिव देखा जाए जावास्क्रिप्ट, तो यार जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस को लेकर के अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आप बैकएंड डेवलपर चाहते हैं, आप फ्रंट एंड से बिल्कुल भी लेना देना नहीं रखना चाहते, आप सोच रहे हैं जावास्क्रिप्ट सीख लूंगा कंप्लीट पूरी तरीके से, उसके बाद बैकएंड रिलेटेड लेट्स से कि हमें रेस्ट एपीआई क्रिएट करना है, तो हमें नोड जेएस आना चाहिए, तो आप नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन करके आप उसमें सोच रहे हैं महारत हासिल करके आपको एंट्री लेवल पे जॉब मिल जाएगी, तो देर इज पॉसिबिलिटी। यस, स्टिल आई एम नॉट डिनाइंग, हाँ वो मिल सकती है, बट उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका लेवल किस लेवल पे है। मतलब क्या आपने रेस्ट एपीआई नॉर्मल बनाई, या फिर उसको माइक्रो सर्विस में डिवाइड करके काफ़ी स्मार्टली उसके अराउंड प्ले किया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को आपने समझा हुआ है, देन आपकी पॉसिबिलिटी कि आपको हाँ इससे जॉब मिल जाएगी। बट द मोस्ट
कॉमन प्रॉब्लम विद जावास्क्रिप्ट यार, कि अगर आप बिगनर हो तो जावास्क्रिप्ट इट इज़ नॉट ईजी कि आपको समझना, आपको लगता है जावास्क्रिप्ट ईजी है, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट इट्स नॉट ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वो काफ़ी, मैं एक वर्ड में अगर बोलूँ तो ये एक स्टेरोटाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब आप कोई भी लाइन ऑफ कोड करते हो ये बड़े ही अलग तरीके से बिहेव करती है, मतलब एक ही लाइन ऑफ कोड का डिफरेंट तरीके और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट तरह के आउटपुट आ सकते हैं। मतलब उसका कोई एक फिक्स रूल, मतलब आपको एनालाइज करने के लिए काफ़ी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। तो इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव आप डेफिनेटली, आपको बहुत ही डिटेलिंग में उतरना पड़ेगा और वो काफ़ी स्टेरोटाइप बिहेव करती है जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट होने की वजह से आप थोड़ा सा ट्रबल फेस करेंगे जावास्क्रिप्ट में, बट अगेन इट इज़ सब्जेक्टिव, इट इज़ डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स कम्प्लीटली पर्सन टू पर्सन कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है। अगर मेरा मानना है तो मैं ये कहूँगा जावास्क्रिप्ट आपको मजे के लिए सीखना चाहिए, बट अगर आपको शुरुआती दिनों में आपको सीखना है तो मैं अगेन कहूँगा जावास्क्रिप्ट मत सीखें। उसका रीज़न मैं अभी क्लियर करता हूँ। अब आप कहोगे कि यार आपने बोल दिया भैया कि जावास्क्रिप्ट मत सीखें, तो फिर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमें शुरुआत करनी चाहिए? देखो यार, जावास्क्रिप्ट बाद में सीख लेना, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नो डाउट, उसका किसी भी लैंग्वेज से कॉम्पिटिशन ही नहीं है, वो एक अपने आप में हीरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका किसी से टक्कर नहीं है, वो अपने आप में हीरो है, वो इंडिविजुअल सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पर भारी पड़ती है, मैं कह सकता हूँ। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि जावास्क्रिप्ट ना सीखें। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, समझाता हूँ। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट के अंदर है पाइथन। अब पाइथन इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, बट पाइथन की अपनी एक यूएसपी है, वो है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा एनालिसिस, उस चीज़ों में बहुत सारा उसका स्कोप है। और आप सोच रहे हो कि एप्लीकेशन के लेवल पे, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लेवल पे, वहाँ पे पाइथन इतना ग्रेट काम कर रही है, तो मैं कहूँगा नहीं, आप मैक्सिमम कंपनी में चले जाएँ, चाहे छोटी से बड़ी कंपनी तक चले जाएँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, आप छोटी से बड़ी कंपनी में चले जाएँ, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिले ना मिले, लेकिन जावा आपने ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है? तो जावा ज़रूर मिल रही होगी आपको, हो सकता है पाइथन इवन नहीं मिल रही होगी, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट हर कंपनी में आप जाकर के देख लें, आपको जावा जरूर मिलेगी, लेकिन पाइथन हो सकता है वहाँ पे मिस आउट हो, कि ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि भैया पाइथन 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 हर कोई चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब पाइथन में बहुत सारा कैरियर है, एब्सोल्युटली कैरियर है, बट अगेन आपको समझना होगा कि आपको जाना कहाँ है, आपको ये डेस्टिनेशन क्लियरली पता होना चाहिए। तो उसकी यूएसपी है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, अगर उस परस्पेक्टिव जा रहे हो तो डेफिनेटली पाइथन सीख सकते हो, बट अगेन बिगिनर हो तो मैं यहाँ पे पाइथन के लिए भी रोकूंगा। अब क्यों रोक रहा हूँ पाइथन पे? अब आप कहोगे कि जावास्क्रिप्ट भी नहीं सीखना, पाइथन भी नहीं सीखना एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सीखे भैया कौन सी? तो मैं कहूँगा भैया आ जाओ एकदम बेसिक पे, जावा पे। अभी आप बोलोगे कि सी प्लस प्लस या सी का नाम क्यों नहीं लिया? देखो सी प्लस प्लस और सी, इन सबका निचोड़ जावा में है। जावा अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके बेस को, फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करती है। अगर आपने इसको सीख लिया भाई साहब, आप इन फ्यूचर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली पिकअप कर पाएंगे और इजीली उन चीज़ों का ग्रैप्स कर पाएंगे, और इजीली आप किसी भी लैंग्वेज में, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज आपको सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स यहाँ पे क्लियरली समझ चुके होंगे। तो जावा में क्योंकि रूल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो सब कुछ बहुत ही सर्टेन तरीके से डिफाइन किया गया है, और उसको जब इन डिटेल आप पढ़ करके, एक्सपीरियंस ले करके जब किसी लैंग्वेज को, नई लैंग्वेज को सीखते हैं, तो आपके लिए अगेन ये होता है, बहुत ईजिली सीखते हैं, मतलब तो वहाँ पे ट्रबल फेस नहीं करते। इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप बिगनर हैं तो जावा से शुरुआत करें। हाँ, आप ये बोलेंगे कि जावा क्या इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? अगेन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो डिपेंड करता है, बट फिर भी कहूँगा आपके अंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो, आप जावा से स्टार्ट करें, धीरे धीरे आप ग्रेजुअली उसमें ग्रो कर देंगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे। करना क्या है, लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट सीखें, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करें, एप्लीकेशन बनाएं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि सिर्फ कोर जावा से आज के टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका, बट एज अ फ्रेशर यार आप कोर जावा करके और थोड़ा बहुत स्प्रिंग फ्रेमवर्क को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके ना आपको जॉब मिल जाएगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जावा एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क, इतना करके भी ना आपको एज अ फ्रेशर जॉब मिल जाएगी। किसी और लैंग्वेज के साथ आपको भले ट्रबल फेस करना पड़े, लेकिन इसके साथ ट्रबल फेस नहीं करना पड़ेगा। अब पाइथन अगर जावा की कंपैरिजन करूँ तो यार जावा जो है
काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज की जाती है, चाहे वो गूगल हो चाहे कोई भी कंपनी, आप प्रोडक्ट बेस्ड ले लें सर्विस बेस्ड ले लें, हर जगह आपको जावा देखने को मिलेगी। और काफ़ी फास्ट रिलायबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और डिकेड्स ऑफ डिकेड्स से चली आ रही है, ऐसे ही नहीं चली आ रही। क्यों? क्योंकि ये आज भी है कल भी रहेगी, नो डाउट। पाइथन क्या है कि आपने जेंगो फ्लास्क ये सारे फ्रेमवर्क हैं, बट दे आर नॉट, मतलब कि जाकर के पाइथन जो है जाकर के जावा का काम रिप्लेस कर देगी। पाइथन जिस चीज़ के लिए बनी है वो अपना काम करेगी, उसकी अपनी एक USP है, लेकिन जावा को रिप्लेस नहीं कर सकती। और जो आखिरी प्रो टिप देना चाहूँगा यार, कॉपी पेस्ट करके मत सीखना, प्रैक्टिस करके सीखना। जो भी प्रोग्राम बनाना उसको करना, फंसोगे उसको सर्च करना गूगल पे, जहाँ पे अगेन यूटिलिटी बेस्ड लर्निंग अप्लाई हो जाएगी और ग्रेजुअली आप चीज़ों को डिटेलिंग में समझ रहे होंगे। मतलब जहाँ फंसो उसको देखो, सर्च करो, उसके बाद उसको पढ़ो, फिर उसकी एरर आती है एरर के बारे में पढ़ो, फिर सीखो, फिर इम्प्लीमेंट करो। इस तरह से आप यूटिलिटी बेस्ड लर्निंग करके करते आप जावा में प्रो हो जाएंगे। तो बस मेरा यही टेक था इस पे, क्योंकि बहुत लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, बट मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं अपना भाई दोस्त समझ करके मैं आपको ये ऑनेस्ट बोल रहा हूँ कि जावा से शुरुआत करोगे तो आपको आगे फ्यूचर में बहुत इजी होने वाला है, आप इजीली चीज़ों को लर्न कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, लाइक इट, देन डू थम्स अप, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक फॉर वॉचिंग।